सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी टेक डेस्टिनेशन के हवाले से कुछ डिस्कशंस हुई हैं, तो क्या प्लानिंग्स हैं पाकिस्तान के लिए या यंगस्टर्स यूथ के लिए? क्योंकि आपने यंगस्टर्स की बात की है, तो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम का एक ज़रिए इदारा है। हमारी कोशिश ये है कि IT एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो हमने सेगमेंटेशन की हुई है, IT कंपनीज को लेके, IT फ्रीलांसर्स को लेके, हम मुख्तलिफ हमारे इनिशिएटिव्स हैं, मुख्तलिफ हमने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं स्किल सेट के हवाले से। ख़ासतौर पे अगर मैं बात करूँ, कोशिश ये है कि IT एक्सपोर्ट्स अब पिछले साल की जो हमारी क्लोजिंग है वो 2.6 अरब डॉलर पे है, और हम कंपीटिंग मार्केट्स में देखें तो जो फिलिपीन है या टर्की है या मलेशिया है, इधर की एक्सपोर्ट्स को अगर हमने $50 बिलियन को टच करना है, तो हमने अपने जो यूथ है, क्योंकि अपने यूथ के हवाले से बात की, उनको वो स्किल सेट पे ट्रेन करना है जो आज मार्केट में ज़रूरत है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काम इतना ज़्यादा आया है कोविड के बाद से और नेबरिंग मार्केट से ख़ास तौर पे, कि यहाँ का जो रिसोर्स है HR शॉर्टेज है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह आप देखते हैं कि टेक्सटाइल में अभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और आपको शॉर्टेज नज़र आ रही थी पिछले कुछ अरसे से, इसी तरह से अभी जो हमें मुख्तलिफ अंदाजे हमने लगाए हैं, हमें बताया जा रहा है इंडस्ट्री की जानिब से 3 से 3.5 लाख रिसोर्स आपको इमीडिएटली चाहिए है। सो मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, अगर हम 2.6 अरब डॉलर से लेकर आज 15 अरब डॉलर तक अपनी एक्सपोर्ट लाना चाहते हैं, तो इसके नीचे एक पूरी मैथमेटिकल साइंस काम कर रही है कि आपको कितने ज़्यादा मजीद इन नौजवानों को ट्रेन करना है, जो कि आपकी आबादी का आज 64-65% है एज, और ये अवेलेबल भी हैं। और उसके हवाले से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो ग्रेजुएट्स बच्चे आ रहे हैं और इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक काम नहीं कर रहे, उनको हम किस तरह से मज़ीद ट्रेन कर सकें। अच्छा, फिर हम अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनके 6वें 7वें 8वें सेमेस्टर को हम किस तरह उनके प्रोग्राम्स रिप्लेस कर सकें, ताकि वो अपने ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी वो उन कोर्सेज के ज़रिए ट्रेन हो सकें। इसके अलावा हम कुछ बूट कैंप्स हैं जो एग्जिस्टिंग मार्केट में बच्चे काम कर रहे हैं, उनके स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए भी हमने प्रोग्राम लॉन्च किए, और विद टाइम हमारी कोशिश है कि इन प्रोग्राम्स को, इन ट्रेनिंग्स को मज़ीद हम बढ़ाते जाएँ, और इसका दायरा कार सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद ना रखें, बल्कि हमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सिटीज़ तक भी इस दायरा कार को लेकर जाएँ। अच्छा रजा सुखेरा साहब, मुझे ये बताएं कि हम लोगों के यहाँ तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ये सब हो गए, लेकिन क्या आप लोग प्राइमरी लेवल पे जो बेसिक होती है, बच्चा वहाँ से ग्रूम करता है, वहाँ पर भी कोई इनिशिएटिव लेंगे आगे या कोई प्लान्स हैं आप? आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। तो अगर हम स्किल्स के पिरामिड देखें, तो उसमें जो पूरी दुनिया में खासतौर पर प्रोग्राम्स और पाकिस्तान में बहुत बढ़ता हुआ रुझान आपको नज़र आएगा, जो बेसिक पिरामिड है, जहाँ बच्चा 6, 7 साल, 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में है, वहाँ उसके एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए, प्रोग्रामिंग उसका थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर ने भी इंट्रोड्यूस कराए हैं। हमारी कोशिश यह है कि वजारत जो तालीम की वजारत है और जो सूबाई वजारतें हैं तालीम की, इनके साथ मिलकर भी हम ये प्रोग्राम्स को कुछ ना कुछ अब इंट्रोड्यूस कराना शुरू करें, ताकि उस स्किल सेट पर अब IT लैब्स स्कूल्स में अवेलेबल हैं, कॉलेज में अवेलेबल हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह बच्चे के इसी स्टेज पे वो एनालिटिकल स्किल्स डेवलप कर दिए जाएँ, ताकि विद टाइम जो वो ग्रोम हो रहा है, जो पढ़ रहा है, जो उसके मैथमेटिकल स्किल्स हैं, जो आगे फर्दर उसको हेल्प आउट करेंगे एक डेटा साइंटिस्ट बनने में, एक अच्छा प्रोग्राम बनने में, एक अच्छा डेवलपर बनने में। बच्चों के हवाले से हम बात करें तो वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से जो उनके स्किल सेट हैं उनको हम किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए जाएँ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अक्सर ये होता है कि हम लोग साथ साथ आपकी ऐसी आप लोग काम करें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा साबित हो रहे हैं, तो इससे जो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में बेरोज़गारी है वो बहुत कम हो जाएगी? कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ख़ासतौर पर जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सिटीज़ की हम बात करते हैं, जो दरमियाने शहर हैं या छोटे शहर हैं। अस्करदू में हमने अभी रिसेंटली बूट कैंप प्रोग्राम किया है, तो शिगर से लेके खपलू से लेके 400 बच्चा नेबरिंग एरिया से स्कर्दू शहर में इकट्ठा था, और स्कर्दू की जो यूनिवर्सिटी थी, बलतेज यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने 3 दिन के लिए यूनिवर्सिटी के सारे प्रोग्राम्स वीकेंड पे शिफ्ट कर दिए थे, और हम लाहौर से, कोयटा से, कराची से, मुल्तान से, यहाँ से हम फ्रीलांसर्स को लेके गए थे जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने जाकर उन बच्चों को ट्रेनिंग दी और उनका स्किल सेट, जो पहले भी काम कर रहे थे, उनका स्किल सेट मज़ीद बेहतर किया। तो ये मेरे ख्याल में एक किस्म की आग लग गई है, दूसरे शहर जो दूसरे दर्जे के शहर हैं या वो छोटे शहर हैं, उनमें ये बच्चे जहाँ हुकूमत नहीं जा सकती, जहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा सकती, वहीं बैठ के ना सिर्फ खुद कमा रहे हैं
और विद टाइम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें, अगर अगर एक बच्चा फ्रीलांसर के तौर पे काम करता है और उसका काम बढ़ता है, वो उस मोहल्ले में दो तीन बच्चों को मजीद काम पे लगाएगा, तो अगर वो तीन बच्चे एंगेज हो जाते हैं तो इसका मतलब है तीन घरों का किचन आराम से चल सकता है। सर लास्ट पे मुझे ये बताइए, क्योंकि आपका बड़ा टाइम ले लिया हमने, कि लास्ट पे कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें। बिल्कुल, खासतौर पर क्योंकि आपने बात ही यूथ के हवाले से स्टार्ट की, तो मैं यूथ को आपके तवसुत से ये लाजमी पैगाम दूंगा कि आप अपने ऑनलाइन आज की दुनिया में अपने आप को ट्रेन करना, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना और स्किल सेट डेवलप करना इतना मुश्किल काम नहीं है। और दर्जनों के हिसाब से आपको सरकारी और प्राइवेट पाकिस्तान के मिल जाएंगे, सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जहाँ आप साइन अप करके आप मुफ्त अपने स्किल सेट अपग्रेड कर सकते हैं, अपना स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज खासतौर पर यूथ के लिए ही है कि आप पूरी कोशिश करें कि फ़ायदा उठाएँ, ये जो वेव है इससे फ़ायदा उठाएँ, पूरी दुनिया उठा रही है और आप भी पीछे ना रहें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह।